नमस्कार दोस्तों, जस्टिस एंड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोशल मीडिया खातों को अनिवार्य रूप से आधार के साथ जोड़ने के लिए दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि वह पहले हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और मामले को सीमित करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता प्रदान की। पीठ ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि सारे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट्स, जो फेक अकाउंट्स हैं, उनका इस्तेमाल इलेक्शन में नतीजों को बायस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनमें जनता को गुमराह किया जाता है और इसलिए इनका आधार से जोड़ा जाना आवश्यक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है और हाईकोर्ट जाने का पार्टीज़ को बोला है। वैसे यह बात गौरतलब है कि मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी ऐसी ही याचिकाएं दायर की गई हैं जो कि पेंडिंग हैं, और मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने आधार सोशल मीडिया लिंक करने के मुद्दे पर विचार नहीं करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरनेट मध्यस्थों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के बड़े मुद्दे पर विचार करने का फैसला किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को फेसबुक ने अप्रोच किया था हाईकोर्ट से मैटर को ट्रांसफ़र करने के लिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले को सुनने से मना कर दिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।